एक ही है, एक ही है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है उसी को तुम एम करते हो। तुम्हें उसका कुछ स्वाद मिला है? तुम्हें उसका कुछ पता है? तुम बैठे बैठे रूखी रोटी चाट रहे हो। मैं तुम्हारे सामने एक नई डिश रखना चाहता हूँ कि क्यों चाट रहे हो ये रूखी रोटी? तुम कह रहे हो रूखी रोटी हट गई तो फिर बचेगा क्या? हटा के तो देखो क्या बचेगा, हटा के देखो तो। तुम्हें उसका कुछ स्वाद है भी अभी? फिर तुम कहते हो ये एम हट गए तो फिर हम क्या करेंगे? अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे इंटरेस्ट तुम्हारे नहीं, तुम्हारे एम तुम्हारे नहीं, तो तुमने ये एम हासिल भी कर लिए तो तुम्हें क्या मिलता है ये बता दो। तुम्हारा कोई नौकर हो, तुम उसका एक एम निर्धारित करो कि तू आज बाजार जाएगा और 15 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीद के लाएगा। और वो नौकर बाजार गया और वहां उसने अपने एम का खूब पीछा किया और 15 की चीज उसने वाकई 10 में करके दिखा दी, बरसों की तगड़ी मेहनत के साथ। मैं अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, उसने करके दिखा दिया। उसने 5 रुपए का फायदा कर लिया। किसका फायदा हुआ? उसका के मालिक का। उसको क्या मिला? तुम जिन एम छा कर रहे हो जब वो तुम्हारे हैं ही नहीं, तो तुम उन्हें हासिल कर भी लो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे एम्स क्या हैं ये जरूरी हो ऐसा तो नहीं, पैदा तो नहीं हुए थे एम के साथ, या पैदा होते हुए बोले थे तुरंत एम? देखो ना कि मन को ये बात पकड़ में ही नहीं आती कि एम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कितनी गहराई से हमें ये मानने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि जिंदगी का मतलब ही है कि किसी लक्ष्य का पीछा करो, और हम बड़े असहज हो जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं। अपने आप से पूछो कि ये बात मेरे मन में किस प्रक्रिया से डाली गई कि लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। देखो जिन्होंने डाली, ऐसा नहीं कि उनकी नीयत खराब थी, नीयत नहीं खराब, समझते नहीं हैं, नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर बन जाना एक बात है, हम सब जानते हैं कि स्कूल में टीचर कैसे बन जाते हैं लोग। 8 बजे जाओ, 2 बजे घर वापस आ जाओ, तो हम सब जानते हैं कैसे लोगों को, 80% टीचर्स कैसे होते हैं या कैसी होती हैं, और किन कारणों से लोग स्कूल की नौकरी पसंद करते हैं। अपवाद होते होंगे 20%, लेकिन 5 में से 4 टीचर क्यों स्कूल की टीचर बनती हैं हम जानते हैं। उनमें गुरुता का तो कोई भाव नहीं होता कि होता है, वो तो संयोगवश परिस्थितिवश टीचर बन गए होते हैं, ठीक मानते हो कि नहीं? हाँ या ना? ऐसे ही स्कूलों में पढ़े ये टीचर सुलझे हुए गुरु तो नहीं थे। एक उम्र आती है शरीर की जब शरीर प्रजनन के काबिल हो जाता है, रिप्रोडक्शन। 25 साल 30 साल मैटरनिटी वार्ड भरने लग जाते हैं। जानवर भी ये काम करते हैं, उनकी भी उम्र आती है तो वो भी बच्चा पैदा कर ही देते हैं। पर बच्चा पैदा कर देने से तुम में मन को समझने की क्षमता तो नहीं आ गई ना, तुम सुलझे हुए तो नहीं हो गए ना कि हो गए, वो तो जी रहे हो तो उम्र बढ़ रही है तो बच्चा पैदा हो गया। इसमें तुमने तो कुछ विशेष नहीं किया, जानवर भी ये काम करते हैं। तुम्हारे भीतर तो अंधेरा ही भरा हुआ है, अब वो अंधेरा तुम बच्चे को भी दे देते हो। यार 25 की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र तो नहीं होती ना, तुम्हारी उम्र से बहुत आगे की नहीं है, 4-5 साल में तुम भी उधारी हो जाओगे। और जो लोग MBA वगैरह कर रहे होते हैं वो 25 क्या 25 से ज्यादा के भी होते हैं, अभी स्टूडेंट ही हैं और 25 क्रॉस कर गए। विदेशों में 30 में भी होता है MBA, 32 में भी होता है, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट ही हैं, तुम्हारी तरह ही।
सोचो ऐसे ही चेयर पे लोग बैठे हुए हैं, अपना हाल जानते हो, मन कैसा है, कन्फ्यूजन में बढ़ा में बिल्कुल बंधा हुआ है। अब सोचो इन्हीं चेयर्स पे जो लोग बैठे हैं वो माँ बाप हैं, होते ही हैं, और उनके बच्चे भी हैं। और माँ बाप बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, हम भगवान हैं, पिता देवता है, माँ देवी है। अब तुम अपने पड़ोसी की जरा शक्ल देखो और देखो कि वो देवी जैसी लगती है, पर वो अपने बच्चे को शिक्षा यही दे रही है मैं देवी हूं। बताओ ना उसकी शक्ल कौन से देवता से मिलती है। पर बच्चे को पैदा होते ही ये सब घुट्टी देनी शुरू कर दी जाती है कि हम देवी देवता हैं, भगवान चूंकि खुद धरती पे नहीं आ सकता तो उसने मां बनाई है। और मां क्या है, कुछ ही साल की तो बात है, तो इस प्रक्रिया से तुम गुजरने लग जाते हो। उन्होंने खुद कभी जाना नहीं, वो बेचारे तो खुद अभी तलाश में हैं, और बच्चा आ गया, उन्हें खुद अभी मिला नहीं, रोशनी उन्होंने जरा देखी नहीं, और बच्चा आ गया। तो बच्चे को भी अपना पूरा अंधेरा वो दे देते हैं विरासत में, ले। अब जीवन भर उन्होंने लक्ष्यों का पीछा कराया तो बच्चे को भी क्या दे देंगे कि तू भी लक्ष्य ले। ऐसा नहीं कि नीयत खराब है, पर और बेचारे करें क्या, उन्हें इससे ज्यादा समझ में ही नहीं आता, उन्हें समझ में ही नहीं आता इससे ज्यादा, उन्हें लगता है यही ठीक है, बच्चे को भी यही सिखा दो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि माँ बाप से दुश्मनी हो गई बहुत, जब कोई नहीं जानता दुनिया में तो वो भी नहीं जानते। इसमें कोई ऐसा नहीं कि छोटा हो गया इससे, कि किसी का अपमान हो गया इससे, बल्कि अगर वास्तव में तुम्हें प्रेम है तो तुम भी जानो और उनको भी दो, उनको भी बांटो। ऐसे ही तो करते हैं ना, कि अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं आपको भी दूंगा, आपको भी बांटूंगा। ऐसा थोड़ी करते हैं कि जैसा उसने करा था गांधारी ने, कि पतिदेव आप अंधे हैं तो मैं भी पट्टी बांध लूंगी, ऐसा करना चाहते हो? या ये कहोगे कि तुम अंधे हो कोई बात नहीं मेरी आंखों से देखो, जल्दी बोलो। पर तुम्हारा तर्क तो यही है कि ना, जो अंधा है उसे अंधा ही रहने दो और उसके साथ साथ हम भी अंधे हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है। जब वो अंधे हैं तो हम आग कैसे खोल सकते हैं? पति परमेश्वर अंधा और मैं देख रही हूं, पाप, अरे नरक जाऊंगी। पिता को कुछ समझ में नहीं आता और मुझे समझ में आने लग गया, महापाप, सड़ूंगा। अरे अगर पिता को नहीं समझ में आता और तुम्हें वाकई प्रेम है पिता से तो तुम समझाओ, करोगे कि नहीं? और पिता ने कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना समझ के, कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना? उनको भी माहौल नहीं मिला, माहौल मिला होता तो वो भी समझते, वो भी चमकते, वो बेचारे भी तो परिस्थिति वशी रह गए। अब इसमें इतना घबराने की क्या बात है, इसमें इतना असहज महसूस करने की क्या बात है, ये तो दुनिया की रीत है, ऐसा ही होता है। ये किसने कहा, ये बच्चों ने कहा कि माँ ने कहा? सर, सुनते normally. तुम सुनते हो कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, पर ये तुमसे कहा किसने, बच्चे ने पैदा होते ही कहा या माँ ने कहा? क्या बच्चा पैदा होते ही कहता है ये या माँ कहती है ये, जल्दी बताओ। ये किसने सिखाया बच्चे को कि माँ के चरणों में स्वर्ग है? माँ ने ही तो सिखाया, तो माँ और क्या सिखाएगी, माँ और क्या सिखाएगी? वास्तविक माँ वो होगी जो सिखाए कि बोध की ओर जाओ, मेरे चरणों की ओर नहीं। मेरे चरणों की ओर आना तो माँ का स्वार्थ हो गया, ये तो बड़ा स्वार्थ है ना कि मेरे चरणों की ओर आओ।
तुम माँ बनोगी, तुम्हें वाकई अगर अपने बच्चे से प्यार है तो तुम उसे ये बोलोगी, मैं देवी हूँ, मेरे चरण पूजो। अगर वाकई तुम्हें प्यार होगा तो ये बोलोगी, या तुम उसे उस दिशा भेजोगी जिस दिशा में वो वाकई जगेगा, समझेगा, जानेगा। जल्दी बोलो, अगर वाकई प्रेम होगा तो ये कहोगी कि मेरे चरण में बैठ, या उसे उस दिशा भेजोगी जिस दिशा उसके लिए प्रकाश है। ऐसा ही करना, बच्चों के साथ अन्याय मत करना अपने, कि उन्हें बोलने लग जाओ कि हम ही देवी देवता हैं, ये हरकत मत करना। ये बड़ी क्रूर और बड़ी अन्यायपूर्ण बात है, ये बिल्कुल मत करना। बहुत बढ़िया, हमें कैसे पता चले कि बच्चे को किस दिशा भेजें, या किसी को भी किस दिशा भेजें, हमें कैसे पता कि किधर प्रकाश है? उसके लिए पहले तुम्हें जगना पड़ेगा। जिसने खुद पाया है वही दूसरे को बता सकता है कि देखो वहां पाया मैंने, वहीं तुम्हें भी मिलेगा। ठीक, तो अच्छी मां बनने के लिए पहले एक जगा हुआ व्यक्ति होना जरूरी है। एक अच्छा इंसान ही अच्छा पिता या अच्छी मां बन सकता है। बोलो बोलो। हाँ, बधाई हो। पहली बात, अगर घुटन ना हो रही होती तो तुम मुर्दा होते। बैठो, क्या नाम है? संजीव। सजीव, बैठो। सजीव हो, जिंदा हो, इसीलिए घुटन हो रही है। जिस दिन निर्जीव हो जाओगे उस दिन नहीं होगी। घुटन तो होनी ही है ना। ये बदलेगा या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन अगर तुम्हें इससे घुटन हो रही है तो ये पक्का है कि तुम अपना जीवन बदलोगे, और वो ज़्यादा बड़ी बात है। शिक्षा तंत्र तो तुमसे बाहर की एक चीज़ है, वो बदले या ना बदले या कब बदले वो मुद्दा प्राथमिक नहीं है। तुम्हारा जीवन है तुम्हारे बिल्कुल करीब, उसका बदलना ज़रूरी है। घुटन तो होगी ही, क्योंकि नासमझों ने बनाया है ये पूरा तंत्र, इसका पूरा पाठ्यक्रम, इसके पूरे तौर तरीके। ये पूरी तरह से उन्हीं बातों पर आधारित है जो आदमी के मन को बीमार करती हैं। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन बहुत बड़ी बीमारी है, और हमारी शिक्षा हमें महत्वाकांक्षी ही बनाती है। प्रतिस्पर्धी मन बीमारी है, और हमारी शिक्षा प्रतियोगिता पर ही आधारित है। डर और लालच दोनों मन की बड़ी बीमारियां हैं, और हमारी शिक्षा ऐसी है जो डराती भी है और लालच भी देती है। जब शिक्षा के ये जो मूल आधार हैं, जिन स्तंभों पर वो खड़ी है, वही इतने गड़बड़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम थोड़े भी स्वस्थ हो और तुम में थोड़ा भी जीवन है, थोड़े भी सजीव हो, तो घुटन तो होगी ही। एक कमरे में धुआं भरा हुआ हो, खूब धुआं, और उसमें मुर्दे ही मुर्दे हों, तो मुर्दों को कोई घुटन नहीं होगी। पर अगर उसमें कोई जिंदा आदमी है तो उसे घुटन जरूर होगी। ये कमरा धुएं से ही भरा हुआ है, और जो बातें मैंने बोली उन्हें तुमने पिछले 20 साल की जो शिक्षा ली है उसमें परख के देख लो, क्या तुम्हें कदम कदम पर महत्वाकांक्षा नहीं सिखाई गई है? आगे बढ़ो, ये पाओ। क्या तुम्हें कदम कदम पर वर्तमान से हटा के भविष्य की ओर नहीं ढकेला गया है? आगे की सोचो, 2 साल बाद क्या होगा उसकी तैयारी करो, 10 साल बाद करियर। क्या तुम्हें कदम कदम पे ये नहीं कहा गया है कि बाकियों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो? क्या ये हिंसा नहीं है?
प्रतिस्पर्धा का जो भाव भरा गया है मन में, क्या वो हिंसा नहीं है? तुम लगातार जिससे आगे निकलना चाहते हो, क्या तुम उसकी भलाई चाहते हो? तुम तो लगातार यही चाहते हो ना कि तुमसे पीछे छूटे। बोलो, जो शिक्षा तुम्हें आनंद न सिखाती हो, प्रेम के विपरीत ले जाती हो, वो शिक्षा दम तो घोटेगी ही। क्या कदम कदम पे तुमसे ये नहीं कहा गया है कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान कर दिया जाएगा? और क्या स्थिति अब ऐसी नहीं आ गई है कि तुम्हें डराया ना जाए तो तुम कुछ करते ही नहीं? बताओ, डरा डरा के हमारी ये हालत कर दी गई है कि अगर अब हमें डराया ना जाए तो हम हिलते ही नहीं। हम अपनी स्वतः स्फूर्त प्रेरणा को और चेतना को भूल ही गए हैं। हम तो कहते हैं बताओ कितने नंबर कटने हैं, दो चार नंबर कटने तो हम कुछ करेंगे नहीं। 20 अभी करते हैं, बोलिए, एक नहीं 5 पीपीटी बनाएंगे। कह दिया जाए कि स्वेच्छा से करो। हालत इतनी खराब हो गई है, दम तो घुटना चाहिए ही। और क्या लालच नहीं दिया जाता बार बार? 10वीं में इतने प्रतिशत नंबर आ गए बेटा तो बाइक, और ये कर दिया तो पक्की नौकरी। जहां लगातार तुम्हारे मन में ये बीमारियां ही घुसेड़ी जा रही हैं, उसमें तुम्हें अच्छा कैसे लग सकता है? सहज कैसे हो सकते हो? कैसी शिक्षा है ये जो तुम्हें सब कुछ पढ़ाती है, बस तुम्हें तुम्हारे करीब नहीं ले आती? कोई कोर्स, कोई विषय तुमने आज तक पढ़ा नहीं जिसका टॉपिक हो मैं। इतनी बातें तुम्हें पढ़ा दी गई हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हो, दशकों से पढ़ रहे हो। मैं जैसा कोई विषय पढ़ा कभी? मेरा जीवन ऐसा कोई चैप्टर भी पढ़ा कभी? सब कुछ पढ़ा दो, लकड़ी पढ़ा दो, फर्श पढ़ा दो, कैमरा पढ़ा दो, पंखा पढ़ा दो, CRT पढ़ा दो, सब पढ़ा दो, अपने बारे में कभी मत बताना, वो खतरनाक है। बड़ी घातक शिक्षा है ये, इसमें तो दम घुटना स्वाभाविक ही है। पर जो इस बात को देखने लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में बड़ी गहरी कमियां हैं, न सिर्फ कमियां हैं बल्कि हानियां हैं, वो फिर ये भी समझ जाता है कि अब मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। बिल्कुल समझ जाता है, क्योंकि घुटन, तुम्हें याद रखना, शिक्षा की व्यवस्था से नहीं हो रही है। तुम्हें घुटन हो रही है आनंद के अभाव से, तुम्हें घुटन हो रही है मुक्ति प्रेम के अभाव से, तुम्हें घुटन हो रही है आत्मज्ञान के अभाव से। तो अगर तुम्हें घुटन हो रही है तो तुम ये भी समझ रहे होगे कि मुझे जीवन नासमझी में नहीं जीना है, कि बिना खुद को जाने आगे नहीं बढ़ना है, कि ऐसा कोई कोर्स नहीं करना है, ऐसी कोई नौकरी नहीं करनी है जिसमें दिल मस्त न रहे। तो अच्छा है तुम्हारे लिए, ये घुटन शुभ है। आंखें खोल के जियो, देखते रहो, समझते रहो, जो जान रहे हो वही तुम्हारी ताकत है। उसी से तुम्हारा वर्तमान भी निखरेगा, भविष्य भी अपने आप। ठीक।